Hello dear students of class 1, so I am your maths teacher. So today we'll study from page number 19. I hope that you have already practiced up to page number 18. Agar aapko koi cheez nahi samajh aati, you can ask me. So chapter 19, today our topic is about place value chart. Aur place value chart mein sirf jo hai hame ones aur tens ka जो लेवल है आपका करना है, 1 to 20 काउंटिंग तक है. तो क्लास 1 का जो लेवल है 1 to 20 तक हम आज देखेंगे. तो उसमें वंस और टेंस को हम डिस्कस करेंगे बस, ठीक है. तो आप ये इस तरह का जो बैकस है आप घर पे भी बना सकते हैं, दो स्टिक्स लेके और उनको ऐसे जोड़ के, तो उसके ऊपर बीड्स लेके आप काउंटिंग जो है वो सीख सकते हैं उसके ऊपर भी. सो दिस बैकस इज़ गिवन. ये देखें आपने, ये एक बीड है, ब्लू है या ग्रीन है, तो ये रेड बीड्स हैं 4. तो इसका मतलब है जो वन बीड है वो टेंस प्लेस पे है, राइट. टेंस उसको 10 लिखेंगे और वंस प्लेस पे 4 बीड्स हैं. तो 10 + 4 = 14 आपका आंसर है. तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर डज द अबेकस शो. यहाँ पे डिफरेंट जो टाइप्स दी गई हैं, नंबर्स दिए गए हैं अबेकस के ऊपर, हम देखते हैं. पहला जो असॉल्ट है आपके लिए, टेंस प्लेस पे 1 बीड है और वंस प्लेस पे 6 बीड्स हैं. तो 1 और 6 को इकट्ठा मिला के हम 16 इसको लिखेंगे, राइट. 1 and 6 = 16. इस तरह बी पार्ट में 1 बीड है टेंस प्लेस पे और 2 बीड्स हैं वंस प्लेस पे, इसको हम 12 लिखेंगे. सी पार्ट पे 1 बीड इधर है टेंस प्लेस पे और 1 ही वंस पे है, तो इसको 11 हम लिखेंगे, राइट. सो डी पार्ट पे देखें, 1 बीड इधर कोई बीड नहीं है, ये गलती से मुझे लगा, इधर कोई बीड नहीं है टेंस प्लेस पे और इधर 9 बीड्स हैं, तो इसको हम 09 लिखेंगे, राइट. तो इसी तरह से ई पार्ट में 2 बीड्स हैं और वंस प्लेस पे कोई बीड नहीं है, तो इसको हम 20, जब कोई बीड नहीं हो तो इसका मतलब है 0, उसको 0 हम लिखेंगे. जैसे इधर आपने देखा इधर कोई बीड नहीं था, इसको 0 लिखा हमने. एफ़ प्लेस पे टेंस प्लेस, एफ जो पार्ट है उस पर टेंस प्लेस पे 1 बीड है और इधर 7 बीड है, इसको हम 17 लिखेंगे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 20. सो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नंबर नेम इन द बॉक्स, अबेकस विल हेल्प यू. ठीक है, ये लिखा हुआ इधर. आप जो बैकस पे नंबर्स दिए गए उनको हमने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है. वर्ड्स में आपको काउंटिंग 1 to 20 आनी चाहिए, क्योंकि क्लास 1 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 1 to 20 उनके सिलेबस में आके काउंटिंग जो है वो वर्ड्स में भी लिखनी आनी चाहिए. सो यू हैव टू प्रैक्टिस विद योर मदर. ओके, 13 ए पार्ट, ये सॉल्व है, 1 बीड इधर है 3 बीड इधर है और ये 13 बन गया. 13 आपने लिख देना. इस तरह से इधर 2 बीड्स हैं, इधर कोई बीड नहीं है, तो इसको हम 20 लिखेंगे. 20 आपने वर्ड्स में लिखना है. 20 के स्पेलिंग आपको आते हैं TWENTY. सो सी पार्ट पे 1 बीड इधर टेंस प्लेस पे है, 1 2 3 4 5, इसको 15 लिखेंगे, राइट. सो डी पार्ट है इधर 1 बीड टेंस प्लेस पे है और इधर 9 है, इसको 19 लिखेंगे. सो टेंस प्लेस पे 1 बीड है और ये 17 इसको लिखेंगे, राइट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Draw beads on the abacus to show the numbers. One has been done for you. ठीक है, एक आपके लिए कर दिया गया पहला. तो 1 बीड इधर है और इधर 4 है, इसको 14, ये पहले आपने पीछे जो इस पेज नंबर 19 पे आप कर चुके हैं, ये वही दोबारा से रिपीट हुआ है. क्वेश्चन पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है. इधर जो है 1 बीड है, इधर हमने खुद लगाने हैं आप बीड्स, ठीक है. इधर नंबर दिया गया हमें और इधर बीड्स हमने खुद लगाने हैं. तो 1 राइट साइड पे जो टेंस प्लेस पे है 1 लगा लिया, इधर 5 लगा लिया, 15 बन गया. इधर 2 देखें लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे 2 इधर टेंस प्लेस पे लगा लिया, इधर कोई नहीं लगाना जब 0 है, तो इसको 20 लिखेंगे. तो डी पार्ट है, टेंस प्लेस पे 1 बीड है और वंस प्लेस पे 3 बीड्स बना देते हैं आपने, ठीक है. 13 बन गया. इधर सिर्फ 7 नंबर है आपके पास, तो टेंस प्लेस पे कोई नहीं है हमारा, तो 7 हम वंस प्लेस पे 7 बीड्स बना लेंगे. इस तरह से एफ पार्ट है, 5 है ओनली, तो वंस प्लेस पे 5 बीड बनेंगे और इधर कोई नहीं है, राइट. सो लेट्स मूव टू पेज नंबर 21. इसमें राइट द मिसिंग नंबर्स एंड लर्न द नंबर नेम्स, ठीक है. ये 1 स्टैक ऑफ 10, ये स्टैक एक दिया गया, तो उसको 10 लिखेंगे. 10 जो वर्ड्स में वो आपके पास इंग्लिश में लिखा है, आपने उसको 10 दूसरा लिखना. इधर 20 ऑलरेडी लिखा है, 20 आपने लिखा. 30 30
40 40 50 50 लिख देना इधर आपने बॉक्सेस में, दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस एट होम। सो विल सी यू टुमारो विद न्यू वीडियो। थैंक यू।